सो वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के 3 फैक्ट शेयर करूँगा पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले फैक्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले हम पाइचा मेडिटेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर कुछ भी कोड लिखते हैं, जैसे हम इम्पोर्ट दिस लिखेंगे, अगर आपको लैंग्वेज कोई भी आती है सी जावा, तो आप उसमें एरर शो करेंगे कि इसका आउटपुट जो होगा वो एरर होगा। लेकिन इसका आउटपुट पाइथन में ये एरर शो नहीं होता। अगर हम इम्पोर्ट दिस लिखते हैं और इसको अगर हम रन करेंगे, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम आती है। ये पोएम टिम पीटर्स ने लिखी है, द जेन ऑफ पाइथन पे। सो ये एरर नहीं है, ये एक बढ़िया फैक्ट था पाइथन के बारे में। नाउ सो गो टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 2। सो इसमें हम सबसे पहले अगर हम कोड लिखते हैं, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। देन अगर हम नेम में कोई भी अगर लिंक दे देते हैं सिंपली, तो ये आप कॉपी भी कर सकते हैं और मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो। उसके बाद आपको बस सिंपली लिंक पूरी लिख जाने के बाद वेब ब्राउज़र डॉट ओपन में जो आपने लिंक लिखी है उसका रेफरेंस पास कर दें, जो कि नेम है। देन अगर हम इसको अब रन करेंगे, तो ये हमारा जो भी हमने लिंक दिया है उसको पेज को रिडायरेक्ट करके ओपन कर देगा सिंपली। तो ये फैक्ट 2 था। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये हर कोई जानता नहीं है, वैसे नॉर्मली ये पढ़ाते नहीं है पाइथन में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सिंपली। तो ये गूगल ओपन हो गया। नाउ फैक्ट लास्ट, जो कि 1 है। तो इसमें अगर हम इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी लिखते हैं, तो इसमें भी ये कम लोगों को पता होता है इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं तो शायद मे बी एरर आ सकता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम रन करके देखते हैं, और पाइथन में जब ये इम्पोर्ट एंटी ग्रेविटी हम रन करेंगे, तो इसमें एक बहुत अच्छी कॉमिक ओपन हो जाएगी, जो कि वेब ब्राउज़र में ओपन होगी, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट चूज़ होगा। तो ये पाइथन की तरफ से कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो और डाल सकता हूँ। सो इन्जॉय द वीडियो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।